पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों में शामिल किरण पहल भले ही पदक हासिल करने में चूक गई हों, लेकिन ना तो उनका और ना ही उनके गांव वालों का जज्बा कम हुआ है। पेरिस से वापस अपने गांव गुमड़ पहुंची किरण का नोटों, फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान किरण ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं और जो कमियां रहीं उनमें सुधार किया जाएगा, वो एशियन गेम्स में देश के लिए जरूर मेडल लाएंगी। जो गलती अभी हुई है वो नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा मैं उसमें वो रिपीट नहीं करूंगी। कुछ गलतियां थी जो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई, ज्यादा तो नहीं बोल सकती, जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसमें मैं अपना कोशिश करूंगी। आगे की तैयारी अभी कुछ दिन तो एक महीना दो महीना थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद में अपना ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश। विनेश फोगाट को वो तो जो कमेटी जो डिसीजन लेगी वही है, पर उसके लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती, मेडल तो उनको देना ही चाहिए मेरा चाहना है। वहीं कोच आशीष छिकारा ने किरण के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अभी देश की दूसरी सबसे तेज धावक हैं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वो जरूर देश के लिए मेडल लाएंगी। आर्का ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, अभी अगली बार एशियन गेम्स में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मतलब मेडल की तैयारी है अगली बार, मतलब खराब नहीं कह सकते, अभी इंडिया में से मतलब दूसरे नंबर पे है तो खराब तो बोल ही नहीं सकते। खराब तो कब होता है, 55-56 की लगाती, तो उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस है, पर और भी अच्छा करेंगे। अभी करेंगे काम, अभी फेडरेशन भी हमारे साथ है, तो फेडरेशन में डॉक्टर ललित मनोहर हैं सर, वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं और उनका काफी साथ है, तो अगली बार बहुत अच्छा करेंगे। सर वो तो अभी फेडरेशन देखेगा, अभी बात है आज पता चलेगा कैसे क्या है। बता दें कि किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक में 400 मीटर एकल दौड़ स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया था। गन्नौर से कपिल शांडिल्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।